स्टूडेंट्स, आज ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के साथ थोड़ा मिक्स है। अप्रैल 2023 का क्वेश्चन है। इसमें गिवन टर्म है कि जो एक्स है बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एंड क्वाड्रेटिक गिवन है, मतलब जो इक्वेशन गिवन है विद ट्रिग्नो 9 1 - 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9 रेज टू पावर 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10 और बीटा इस टर्म से वैल्यू आ जाएगी एंड ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। से आप लिख सकते हो 9 रेज टू पावर 1 अपॉन 9 रेज टू पावर 10 स्क्वायर एक्स। अगर डिवाइड में होता है उसी केस में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ये आपको पता होगा। बेस सेम, अगर डिवाइड में है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी अगर डिवाइड में, इसलिए मैंने इसे डिवाइड में लिख दिया। इजी करने के लिए आप इसे कुछ अज्यूम करो, 9 रेज टू पावर 10 स्क्वायर एक्स है जो, इस टर्म को आप वाई लेट करो, वाई लेट करोगे इक्वेशन बन जाएगी 9 अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एलसीएम लगाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगी y एलसीएम, ऊपर टर्म आ जाएगी 9 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y कॉमन y माइनस 9 माइनस 1 कॉमन y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ y आ जाएगी 1 एंड 9, दो वैल्यूज आ गए y की। नाउ y है दिस टर्म की इक्वल 9 रेज टू पावर 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 है, मींस यहां से टर्म आ जाएगी 9 रेज टू पावर 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, 1 लिख पाओगे आप 9 रेज टू पावर 0 means 10 square x is equal to हो जाएगा 0, therefore value of x आ जाएगी only 0 because हमने minus pi by 2 to pi by 2 में ले लिया। Next term है अगर equal to 9 लगाओगे 9 raised to power 10 square x is equal to 9, बेटा इसमें power 1 हो जाएगी, 10 square x is equal to 1, 10 x is equal to plus minus 1, 10x हो जाएगा प्लस माइनस 1 मींस 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड 10x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1। बेटा 1 हो जाएगा बिटवीन, हमें चेक करना माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के अंदर, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 एंड सेकंड टर्म हो जाएगी माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4 एंड माइनस पाई बाय 4 आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। नाउ मींस हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 0 पाई बाय 4 एंड माइनस पाई बाय 4 एंड बीटा जो है, बीटा इज दिस नंबर, बीटा गिवन है, बीटा जो गिवन है समेशन एक्स इज इक्वल टू एस, एस जो है एस क्या है, जो आंसर्स आएंगे उसकी वैल्यू, एस मतलब सेट ऑफ वैल्यूज गिवन है 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 3, इसमें वैल्यू ऑफ एक्स पुट करो, फर्स्ट नंबर हम वैल्यू ऑफ एक्स पुट करेंगे 0, फिर पुट करेंगे पाई बाय 4, मतलब ये आ जाएगा पाई बाय 4 पुट करोगे पाई बाय 12 एंड नेक्स्ट नंबर पुट करोगे तो माइनस पाई बाय 12 माइनस पाई बाय 12। प्लस क्यों आया, क्योंकि समेशन है, समेशन है इसलिए प्लस हो जाएगा, 10 स्क्वायर 0 0 हो जाएगा। बेटा ये दोनों, ये भी 15 है ये भी 15 है, स्क्वायर है तो दोनों पॉजिटिव टर्म्स हो जाएंगी, स्क्वायर है तो पॉजिटिव टर्म हो जाएगी, तो ये नंबर बच जाएगा 2 10 स्क्वायर 15 2 10 square 15 degree, ये value of beta आ जाएगी 2 10 square 15। अब इसे सॉल्व करोगे beta value आ जाएगी, beta value 2 10 for 10 15 किस तरह से सॉल्व हो जाएगा, 10 45 minus 30 10 45 minus 30 square हो जाएगा, तो इसे आप सॉल्व करोगे तो ये टर्म बनेगी, मैं इसे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहा हूं, 2 10 45 माइनस 30 होल स्क्वायर, आप इसे सॉल्व करोगे तो ये टर्म बनेगी 2, फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 30 होल स्क्वायर, 10 30 वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय रूट 3 होल स्क्वायर, 1 बाय रूट 3 नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय रूट 3 स्क्वायर। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, इस टर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो ये नंबर आ जाएगा रूट थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री प्लस वन होल स्क्वायर। ये वैल्यू अंदर इंटरनल टर्म रैशनलाइजेशन करो,
इंटरनल टर्म रैशनलाइजेशन करोगे, अगर इंटरनल में रैशनलाइजेशन नीचे माइनस ऊपर प्लस माइनस ऊपर स्केयर आ जाएगा और ये टर्म बन के आ जाएगी टू न्यूमिनेटर टर्म रूट थ्री माइनस वन स्केयर नीचे हो जाएगा रूट थ्री स्केयर माइनस वन स्केयर न्यूमिनेटर टर्म थ्री प्लस वन माइनस टू रूट थ्री डिनोमिनेटर टर्म टू थ्री माइनस वन टू टू एंड टू कैंसल हो जाएगा तो हमारे पास जो टर्म बचेगी सॉरी हाँ जी तो जो टर्म बन जाएगी अभी मैंने ऊपर स्केयर भी आएगा सॉरी यहां पे स्केयर आएगा तो मैं टू कैंसिल नहीं कर पाऊंगा स्केयर आ जाएगा ऊपर टू बाहर है और ये नंबर आ जाएगा नीचे टू क्लियर है टर्म ये नंबर हो गया फोर माइनस टू रूट थ्री बाय टू पूरी टर्म के ऊपर स्केयर और फाइनल टर्म बच जाएगी हमारे पास इसमें से टू कॉमन आएगा टू कॉमन आके टर्म बन गई टू माइनस रूट थ्री होल स्केयर इसमें से टू कॉमन आएगा टू माइनस रूट थ्री होल स्केयर आ जाएगा ये हमारा बीटा चल रहा है इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे अगर बीटा में तो बीटा वैल्यू हो जाएगी टू अब इसे फिर से स्केयर करोगे इस टर्म का स्केयर करोगे ए माइनस बी होल स्केयर मतलब नंबर हो जाएगा फोर प्लस थ्री माइनस फोर रूट थ्री स्केयरिंग करोगे ना ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी तो ये नंबर बीटा आ जाएगा टू सेवन माइनस फोर रूट थ्री मीन्स वैल्यू ऑफ बीटा हो जाएगी फोर्टीन माइनस एट रूट थ्री ये नंबर है थ्री रूट थ्री 14 माइनस एट रूट थ्री जो वैल्यू ऑफ बीटा बेटा देखो इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो गया ज्यादा तो हम कुछ नहीं किया मैंने एक्चुअली इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट किया वो बीटा वैल्यू आ गया 14 माइनस एट रूट थ्री बीटा वैल्यू फाइंड आउट हो गया ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस नंबर आ गए बीटा माइनस फोर रूट थ्री बीटा की वैल्यू आ गई 14 माइनस एट रूट थ्री तो हमारे पास यहाँ पे जो इस पूरी टर्म की वैल्यू आ गई है बीटा की मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ बीटा वैल्यू आ गई है 14 माइनस एट रूट थ्री ये बीटा वैल्यू आ गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन और इसे इस टर्म के अंदर पुट करो पुट करोगे इस टर्म में पुट करोगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1 बाय 6 बीटा वैल्यू यहां पे पुट करो 14 माइनस एट रूट थ्री माइनस 14 ऊपर स्केयर आ जाएगा 14 कैंसल 8 स्केयर हो जाएगा 64 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 कैंसल हो जाएगा 2 एंड 32 फाइनल आंसर हो जाएगा 32 मींस ऑप्शन ए फाइनल आंसर है थैंक यू स्टूडेंट्स